हेलो एवरीवन वेलकम बैक आज के हम अपने इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि जे संयुक्त वन प्रबंधन के बारे में तो चलिए देख लेते हैं कि आज के हम अपने इस लेक्चर में जे के अंडर कौन कौन से टॉपिक्स को ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं तो डियर व्यूवर्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होती है फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के अंदर हम समझेंगे विलेज फॉरेस्ट काउंसिल को फिर हम बात करेंगे जे के बेनिफिट्स की और उसके कंस्ट्रेंट्स की देन आफ्टर दैट वी विल लुक टूवर्ड्स नैशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एंड स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आफ्टर दैट विल डिस्कस फॉरेस्ट कार इन इंडिया देन हम बात करेंगे एफॉरेस्टेशन मेजर्स इन इंडिया की और फिर हम देखेंगे कुछ बातें कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक ऑन अबाउट नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च इन दर टू थाउजेंड फिर हम बात करेंगे तमिलनाडु एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट की और फिर हम बात करेंगे अरावली एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट की तो डियर व्यूवर्स आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलेंगे स्पेशली ये जो ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो यहाँ से आपको डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिल जाएंगे तो चलिए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को और सबसे पहले हम समझते हैं जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के बारे में तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या जे एफ जो है इट इज़ एन अप्रोच या इट इज़ अ प्रोग्राम इनिशिएटेड इन द कंटेक्सट ऑफ नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988. जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है ये एक अप्रोच लोगों के बीच में लेकर आया गया गवर्नमेंट के द्वारा अंडर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ 1988. इसके तहत ये जो मैनेजमेंट है उसकी शुरुआत की गई देखा जाए तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जो स्टेट फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट होती है जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होते हैं ये सपोर्ट करते हैं लोकल फॉरेस्ट लोकल फॉरेस्ट ड्वेलिंग को लोकल फ्रेंज कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट फ्रेंज कम्युनिटीज़ को जो ट्राइबल एरियाज होते हैं मतलब जिनका जो लाइवलीहुड है वो कम्प्लीटली फॉरेस्ट पे बेस्ड होता है ट्राइब्स हो गए आदिवासी हो गए राइट right? और जो लोकल फॉरेस्ट ड्वेलिंग पर्सनज होते हैं उनको तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो कम्प्लीटली उनको सपोर्ट करते हैं ताकि वो फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके उनको मैनेज कर सके एंड एज वेल एज दे कैन शेयर द कॉस्ट एंड बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट विद देम मतलब आप ऐसा समझिए कि सपोज ये कोई एक छोटा सा गांव है और ये जो छोटा सा गांव है ये कम्प्लीटली फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है अपनी पूरी की पूरी लाइवलीहुड को चलाने के लिए अब फॉरेस्ट नहीं रहेगा तो ये जो गांव वाले हैं गांववासी हैं वो मर जाएंगे तो डेफिनेटली जहां से इनका जीवन यापन हो रहा है तो वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे उसको मैनेज करेंगे बट ये जो है ये अनऑफिशियल तरीके से हो रही है बट बिकॉज ऑफ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये जो विलेजर्स होंगे ये जो रहवासी होंगे फॉरेस्ट के आसपास थ्रू द ऑफिशियल मीन्स वो उनके साथ जुड़ जाएंगे एक मैनेजमेंट आ जाएगा वहां पर स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है वो एक पूरा का पूरा मैनेजमेंट के थ्रू जिसमें विलेज के लोग ही होंगे ये हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से जो विलेजर्स होते हैं वो उनका इन्वॉल्वमेंट होता है मेजर ऑब्जेक्टिव होता है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना फॉरेस्ट को मैनेज करना और फॉरेस्ट से उनको जो भी चीजें मिल रही हैं उस कॉस्ट को शेयर करना उस बेनिफिट्स को शेयर करना विद द विलेजर्स राइट तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जो अनएलॉयमेंट की प्रॉब्लम्स थी और जो भी एटसेट्रा एटसेट्रा जितनी भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी गांव वालों को वो नहीं हो रही वो हम आगे बेनिफिट्स में देखेंगे इसके ओके okay? तो यहां पर क्या हो रहा है कि जितने भी प्रॉफिट्स होती हैं ऑल द प्रोफिट इज बींग लोकल कम्युनिटीज ट्राइब्स एंड एज वेल प्रोटेक्ट दिसंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट आपको यहाँ पर जो बात ध्यान रखनी है एक प्रोग्राम है जो की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नाइनटीन एटी एट के तहत इसे लॉन्च किया गया था ओके okay? तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाए कि लोगों की जो लाइवलीहुड है वो चलती रहे प्लस जो पॉवर्टी uh, है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए ओके okay. चलिए आप एक बार देख लीजिएगा यहाँ पर नेक्स्ट हम बात करते हैं विलेज फॉरेस्ट काउंसिल की अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है जैसे कि मैंने आपको बताया कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है हम तो समझ गए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है अब हम समझते हैं बी क्या होती है यानी कि विलेज फॉरेस्ट काउंसिल तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी कह कह जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमेटी भी आप इसे कह सकते हैं तो ये बेसिकली एक कमेटी होती है एक काउंसिल होता है जिस जहाँ पर ग्रुप ऑफ मेंबर्स होंगे और इसका जो मेन uh, एम होता है जो मेन काम होता है वो ये होता है कि ये एक विलेज लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं इट रिप्रेजेंट्स आ विलेज लेवल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वहीं देखा जाए तो जो जनरल बॉडी होती है कमिटी की इस काउंसिल की जो जनरल बॉडी होती है इट कंसिस्ट ऑफ ऑल विलिंग एडल्ट मेंबर्स ऑफ विलेजेस इसमें जितने भी मेंबर्स होंगे सारे जो 18 साल से जो 18 प्लस हैं और जो चाहते हैं कि वो इस काउंसिल के मेंबर बने इस कमिटी के मेंबर बने और इसका जो चेयरमैन होता है जो चेयरपर्सन होता है दैट इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल जिसको कौन इलेक्ट करता है जो फॉरेस्ट रेंजर होता है जैसे हम उसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो फॉरेस्ट रेंजर होता है ही इज़ द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी ही फैसिलिटेट्स द इलेक्शन प्रोसेस और फिर इलेक्शन होता है एंड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो आ, इस काउंसिल का जो है प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्ट किया जाता है तो इसका जो मेन एम होता है विलेज फॉरेस्ट काउंसिल का दैट इज कि विलेजर्स बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं फॉरेस्ट पर अपनी लाइवलीहुड के लिए तो उनको एक ऑल्टरनेट इनकम जनरेशन एक्टिविटीज पे Uh, उनका ध्यान मतलब उनका कम्प्लीटली ध्यान भटकाना कि आपके पास और भी रास्ते हैं अगर सपोज कल को फॉरेस्ट नहीं रहा तो आप अपनी लाइवलीहुड कैसे चलाओगे राइट right? तो द मेन एम इज टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑफ विलेजर्स ऑन फॉरेस्ट बाई ऑल्टरनेट इनकम जनरेशन एक्टिविटीज अब ये जो बात यहाँ पर ये आती है कि वट वट आर द ऑल्टरनेट इनकम जनरेशन एक्टिविटीज तो वो हम देखेंगे अब देखिए वी जो है पीपल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जहाँ पर प्लानिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन ऑफ वर्कस प्रोटेक्शन हार्वेस्टिंग एंड बेनिफिट शेयरिंग इन द मैनेजमेंट यूनिट जो है जिसका ध्यान रखा जाता है जहाँ पर अब देखिए अगर विलेज फॉरेस्ट काउंसिल नहीं होता अगर सिर्फ और सिर्फ स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितने ही कैसे ही तरीके से लोगों की मदद कर पाता अकेला राइट right? तो लोगों तक पहुंचने के लिए अब जो जहाँ के लोग होंगे वही तो अपनी समस्या हल कर पाएंगे राइट right? अब हमारे रायपुर में अगर कहीं पर चक्का जाम हो गया है या कहीं कहीं का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है तो नरेंद्र मोदी तो नहीं आएंगे ना यहाँ पर सब कुछ ठीक करने के लिए वहाँ का जो अगर कोई एरिया है कोई कॉलोनी है तो वहाँ का पार्षद ही जाकर वहाँ पर कुछ ड्रेनेज सिस्टम बेकार है तो वो उसको सुधार करेगा राइट right? तो मैं क्या बताना चाहती हूँ कि जहाँ के लोग होंगे जैसे वो ही अपना समस्या खुद हल कर पाएंगे ओके okay? फिर यहाँ पर क्या होता है कि हर घर से एक मेल और एक फीमेल मेंबर जो है उनका एनरोलमेंट किया जाता है एज द मेंबर्स ऑफ विलेज फॉरेस्ट काउंसिल ये कंपलसरी है एंड इन ये जो है इनको एटलीस्ट तीन महीने में एक बार जो है इनको आपस में मिलना होता है सारा प्रोग्राम का समअप uh, करना होता है कि कितने काम हुए हैं आगे कौन से काम करने हैं नहीं करने एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा ओके बाकी फिर एच वी एफ सी इलेक्शन एग्जीक्यूटिव कमिटी मिनिमम फाइव एंड मैगजिम फिफ्टीन पाँच मिनिमम होने चाहिए और मैक्ममम इट कैन भी फिफ्टीन वन हेमलेट इलेक्ट्स एट एटलीस्ट टू मेंबर्स हर एक छोटे से गाँव में अगर कोई गाँव बहुत ही छोटा है तो अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया अगर बहुत ही छोटा गाँव है हेमलेट मतलब छोटा सा गाँव कस्बा ठीक तो इट इलेक्ट एटलीस्ट टू मेंबर्स Panchayat members of the management unit are co-opted as ex-officio members of the uh, 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 executive committee. Okay, then members of executive committee elect its president among themselves. Then memorandum of understanding between district forest officer and council president. Okay, memorandum of understanding. Jo hai, दैट इज साइंड बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर एंड काउंसिल प्रेसिडेंट उसके बाद वीएफसी एफ का जितना भी फंड होता है वो एक जॉइंट अकाउंट के नाम पर विलेज फॉर जो है वो लोकल अपने लोकल नियरेस्ट बैंक या पोस्ट ऑफिस में विद द प्रेसिडेंट एंड मेंबर सेक्रेटरी एज सिग्नेटरीज है ना मतलब एक जॉइंट अकाउंट जो है वो पास के किसी भी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में ओपन किया जाता है जिसमें कौन कौन रिस्पॉन्सिबल uh, होगा एक तो प्रेसिडेंट और दूसरा जितने भी मेंबर सेक्रेटरी होंगे उनका ठीक है उनके साइन के बिना कोई भी वहाँ से पैसा नहीं निकाल सकता ओके तो इस तरीके से अब ये जो फंड है वी विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट फंड जो है तो यहाँ पर कौन कौन से पैसे जमा किए जाएंगे एक तो मेंबरशिप मनी यहाँ पर जमा की जाएगी ओके फिर जितने भी फाइन्स है जितना भी सेल

बेनिफिट्स की अगर बात करें तो डेफिनेटली फॉरेस्ट प्रोटेक्शन हो रहा है है ना फॉरेस्ट जो है प्रोटेक्ट हो रहा है अब फॉरेस्ट प्रोटेक्शन में क्या हो रहा है कि जो बी है डेफिनेटली इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल है ना इन द रेगुलेशन ऑफ ग्रेजिंग है ना ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग ना हो जाए डेफिनेटली गांव है तो कैटल्स भी होंगे भी होंगे तो ग्रेजिंग जो है बिल्कुल रेगुलेट की जा रही है एक पर्टिकुलर लैंड पे की जा रही है ओवर ग्रेजिंग नहीं हो रही है और फॉरेस्ट फायर से भी फॉरेस्ट का प्रोटेक्शन हो रहा है राइट देन क्वालिटी एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क डेफिनेटली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो भी काम हो रहा है वो जो वहां के रहने वाले हैं वो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे तो डेफिनेटली जब कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल करेंगे क्वालिटी काफ़ी मेंटेन रहेगी इन्वॉल्वमेंट इन माइक्रो प्लानिंग छोटे से छोटे प्लानिंग में भी सबका इन्वॉल्वमेंट होगा अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं फॉरेस्ट्री करना चाह रहे हैं सेवीकल्चर टेक्निक्स अपनाना चाह रहे हैं तो साइट्स जो होगी आप उसकी आइडेंटिफिकेशन काफ़ी अच्छे से करोगे सॉयल कंजर्वेशन वर्क होगा डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा और मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स में किसका वी का ओके चलिए इम्प्रूव क्वालिटी लाइफ ऑफ विलेजेस डेफिनेटली गांव वालों की जो जिंदगी है उनकी काफ़ी अच्छी हो जाएगी काफ़ी सुधर जाएगी बाय पॉलिटिकली आल्सो एंड इकोनॉमिकली आल्सो पॉलिटिकली पॉलिटिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि लीडरशिप क्वालिटी आ जाएगी ना उनमें डेफिनेटली अगर हर घर से एक मेल और एक फीमेल मेंबर को आप पोर्स कर रहे हो कि आप मेंबर बनो तो डेफिनेटली ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ मेंबर बन के चुपचाप बैठ जाएंगे उनका भी कुछ काम होगा उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी राइट right? तो पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली जो विलेजर्स हैं उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो रही है नेक्स्ट हेल्प फाइट सोशल लीवल्स डेफिनेटली लाइक इंफेंटिसाइड अनटचिलिटी देन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम थ्रू फॉरेस्ट produce like fuel, fodder and timber, guard against fire and illegal resource extraction. Okay, तो ये सब आप एक बार देख लीजिएगा ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है इसमें चलिए नेक्स्ट देखते constraints, कमियाँ अब हमने इसकी सारी अच्छी अच्छी बातें तो हमने सारी देख ली अब देखते हैं कि इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं ड्रॉबैक्स अगर देखा जाए तो माइक्रो प्लानिंग तो हो रही है पीपल्स का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा है लेकिन टॉप डाउन अप्रोच जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं एलिमिनेट नहीं हो पाया है इस पूरे प्रोजेक्ट से टॉप डाउन अप्रोच बोले तो शीर्षपाद उपागम है ना मतलब ऊपर ने जो ऑर्डर कर दिया ऊपर इंसान जो बैठा हुआ है टॉप पे अगर उसने जो ऑर्डर कर दिया मतलब वो फॉलो करना है छोटे पोस्ट के जो लोग हैं वो अपनी बात नहीं रख सकते तो कहीं ना कहीं ये एक ड्रॉबैक है कि जो अगर कोई इंसान छोटे पोस्ट पे है तो भी वो अपनी बात नहीं रख पा रहा है देन रिजिड माइंडसेट कठोर मानसिकता लोगों की गाँव के जो लोग होते हैं उनकी मानसिकता कि अरे ये सब करके हम क्या करेंगे हमें तो चूल्हा चौका ही संभालना है राइट right? तो इस वजह से राइट स्पेशली विथ रिगार्ड्स टू पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं कटेलिंग ग्रेजिंग राइट्स ऑफन लीड्स टू टेंशन डेफिनेटली अब ग्रेजिंग राइट्स जो है राइट right? उनमें कमी करना अब जैसे मान लो कि कोई है उसके पास बारह भैंसे हैं वो चला गया एक पर्टिकुलर लैंड पे ठीक अब यहाँ पर कोई आदमी पोस्ट पे बैठा हुआ है अब ये गया इसका जो चरवाहा था वो उसको बोला कि नहीं उधर जाओ उधर मत जाओ वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पर आप नहीं ग्रेजिंग नहीं करवा सकते अब यहाँ पे समझो सपोज ये जो चरवाहा है ये इसका दोस्त है जो यहाँ पर बैठा हुआ है कि वो मना कर रहा है उसको लेकिन अब भाईचारा हुआ तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि वहां पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं क्योंकि ग्रेजिंग राइट्स अब उसको कैसे बताएं कि अरे भाई ग्रेजिंग करने से अब वो बोलेगा अरे थोड़ा सा ही खाएगा ज़्यादा नहीं खाएगा तो ऐसे बहुत सारे बहस जो है वहाँ पर देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं कटेलिंग ग्रेजिंग राइट्स रोकना लोगों को कि आप यहाँ पर ग्रेज मत यहाँ पर मत करवाओ तो वो टेंशंस लीड हो जाती हैं बहुत सारी टेंशंस निकल कर आ जाती हैं प्रिवलेंट प्रैक्टिस लाइक ओपन डेफिकेशन खुले में शौच तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कम्युनिटीज डिपेंडिंग ऑन शिफ्टिंग कल्टीवेशन अब सब कुछ पुराने ज़माने से हो रहा है लोगों की थिंकिंग अभी तक बदल नहीं पाई है तो वो कम्प्लीटली डिपेंड है शिफ्टिंग कल्टीवेशन पे ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ़ फायरवुड लकड़ियाँ अभी भी वहाँ पर खाना बनाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें वो बहुत ही हाईली पॉल्यूटिंग फ्यूल सोर्स है राइट right? तो उनको बोलना कि अरे भाई गैस में खाना बनाओ सबसे पहले तो उनको ये लगता है कि अरे वो बहुत महंगा है प्लस वो प्राकृतिक नहीं है नेचुरल नहीं है गैस है केमिकल्स हैं उसमें एंड सो so उनकी ये सारी थिंकिंग देन पुअर क्वालिटी ऑफ सिडलिंग्स अवेलेबल फ़ॉर फॉरेस्ट रीजनरेशन सिडलिंग्स जो है वो बहुत ही पुअर क्वालिटी के हैं फॉर फॉरेस्ट को रीजनरेशन के लिए तो वो किसी काम के नहीं है देन लैक ऑफ टेक्नोलॉजीज़ डेफिनेटली टेक्नोलॉजीज़ की बहुत कमी है इनफिशेंट गवर्नेंस मैकेनिज्म ओके तो दिज आर द ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम एंड स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये जो प्रोग्राम है इट वॉज जो कंटेक्स्ट पहले देख लेते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इनफॉर्म लोकसभा अबाउट नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए फॉरेस्टेशन एंड डिफॉरेस्टेशन बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं ए फॉरेस्टेशन जो होता है इट इज़ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फॉरेस्ट और स्टैंड ऑफ ट्रीज इन एन एरिया वेयर देयर वाज़ नो प्रीवियस ट्री कवर ए फॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है किसी ऐसे पर्टिकुलर लैंड पे ट्रीज कि नंबर ऑफ ट्रीज की नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज कर देना जहां पर पहले कभी जंगल या नंबर ऑफ ट्रीज हुआ ही नहीं करते थे फॉरेस्ट इज बेसिकली वॉट अ पीस ऑफ लैंड नंबर ऑफ ट्रीज राइट तो ए फॉरेस्टेशन बेसिकली क्या है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉरेस्ट इन एन एरिया वेयर देयर वॉज नो प्रीवियस ट्री कवर ऐसे बंजर जमीन पर जंगल का निर्माण करना इज ए फॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन की अगर बात करें तो रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट राइट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट इज डिफॉरेस्टेशन चलिए अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द लेक्चर दैट इज फॉरेस्ट कवर इन इंडिया तो अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू द डाटा इंडिया की जो जोग्राफिकल एरिया है उसका ट्वेंटी फोर पॉइंट फोर नाइन परसेंट जो है इज अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर नॉर्थ ईस्ट जो है इट क्राउड द लिस्ट ऑफ़ स्टेट्स विथ मोस्ट डेंसट्री सबसे घने पेड़ और फॉरेस्ट कवर जो है वो नॉर्थ ईस्ट एरिया में आता है कौन कौन सा मणिपुर अरुणाचल प्रदेश मिजोरम मेघालय आर आराम टॉप सिक्स स्टेट्स विथ हाइस्ट फॉरेस्ट एंड टी कवर लोवेस्ट फॉरेस्ट एंड टी कवर जो है वो है हरियाणा में ओनली सिक्स पॉइंट सेवन नाइन परसेंट ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया पंजाब फॉलोज विथ सिक्स पॉइंट एट सेवन परसेंट ओके okay. और हमने देखा भी था कि पंजाब में जो है ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी फॉरेस्ट डेवलप किए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट कवर जो है वो बहुत ही कम है टॉप थ्री स्टेट्स विथ मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ एरिया अगर देखा जाए तो सबसे पहला है मध्य प्रदेश 77,414 स्क्वायर किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश 66,964 स्क्वायर किलोमीटर एंड थर्ड इज छत्तीसगढ़ फिफ्टी फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन स्क्वायर किलोमीटर नेक्स्ट देखते हैं टॉप स्टेट्स विद हाइएस्ट कवर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जोग्राफिकल एरिया ठीक तो सबसे ज्यादा है लक्षद्वीप क्योंकि उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका नाइंटी पॉइंट थ्री थ्री परसेंट इज कवर्ड विद फॉरेस्ट देन मिजोरम एट्टी सिक्स पॉइंट टू सेवन परसेंट एंड देन अंडमान एंड निकोबार विथ 81.73 परसेंट वही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इज ओवर 7.26 परसेंट ऑफ इट्स ज्योग्राफिकल एरिया वाइल मध्य प्रदेश इज 27.73 परसेंट कवर ऑफ फॉरेस्ट इन इट्स ज्योग्राफिकल एरिया टॉप फाइव स्टेट विथ मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ uh, हुआ है फॉरेस्ट कवर में तो सबसे ज़्यादा हुआ आंध्र प्रदेश में नियरली ट्वेंटी वन हंड्रेड फोर्टी वन स्क्वायर किलोमीटर कर्नाटका एलेवन हंड्रेड वन स्क्वायर किलोमीटर केरला वन थाउजेंड फोर्टी थ्री स्क्वायर किलोमीटर ओडिशा विथ एट एटी फाइव स्क्वायर किलोमीटर एंड तेलंगाना विथ फाइव सिक्सटी फाइव स्क्वायर किलोमीटर गोवा एंड केरला आर two other states with more than 50% of their geographical area under forest and tree cover. and according to forest survey of india, it has been assessing the forest and tree resource of our country on a biennial basis since ek article in of india state of forest report published इन इट्स बायनियल रिपोर्ट ओके तो ग्रीन कवर इन इंडिया कितना है आप एक बार पॉज कर लीजिएगा वीडियो को आपको समझ में आ जाएगा ये देखिएगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ईयर नाइनटीन सॉरी टू थाउजेंड सेवेंटीन टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो इतना है जोग्राफिकल एरिया इतना कम्पैर कंपेरेटिव फिगर्स यहाँ पर आपको दी हुई है और टॉप फाइव स्टेट्स पे और मैक्मम फॉरेस्ट कवर इंक्रीज इन इन स्क्वायर किलोमीटर तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कर्नाटका केरल आंध्र प्रदेश तेलंगाना उड़ीसा ओके देन टॉप फाइव स्टेट्स वेयर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज तो मेघालय में 116 किलोमीटर डिक्रीज हुआ है त्रिपुरा में मिजोरम में नागालैंड में अरुणाचल प्रदेश में और फॉरेस्ट फायर का भी यहाँ पर जो डेटा है वो दिया हुआ है तो so, एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है वेरी इम्पोर्टेंट चलिए आगे बढ़ते हैं फॉरेस्टेशन मेजर्स इन इंडिया तो अगर एफॉरेस्टेशन मेजर्स जो हैं वो इंडिया में स्टार्ट किए गए तो वट वॉज द स्ट्रेटजी ऑफ ए फॉरेस्टेशन मेजर्स इन इंडिया तो द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट प्राइमरी इनवॉल्व थ्री स्ट्रैटेजीज सबसे पहले है, तो ए फॉरेस्टेशन करना है हमको थ्रू नेचुरल आर्टिफिशियल रीजनरेशन चाहे आप वो नेचुरली हो रहा है या आर्टिफिशियली हो रहा है ओके देन इट्स प्रोटेक्शन एंड देन इट्स मैनेजमेंट इन तीन स्ट्रैटेजी से ही जो इंडिया इंडिया में एफॉरेस्टेशन जो है वो हो सकता है नेक्स्ट पॉइंट देखिए द मिनिस्ट्री इज़ इम्प्लीमेंटिंग थ्री मेजर स्कीम्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरिया ओके जो मिनिस्ट्री है वो तीन मेजर स्कीम्स चला रही हैं ताकि हम फॉरेस्ट एरिया को डेवलप कर सकें और वो तीन मेजर स्कीम्स हैं नैप दैट इज़ नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं और आगे आगे थोड़ा हम ब्रीफ करेंगे नेशनल फॉरेस्टेशन प्रोग्राम को देन नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया जी आई एम नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया एंड देन एफ एफ पी एम फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट तो तीन मेन मेजर स्कीम्स जो हैं वो मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट कर रही है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट एरियाज कौन कौन से नैप यू शुड You have to remember this. Then GIM, National Mission for Green India, and then Forest Fire Prevention and Management FFPM. Now, NAP it is being implemented for afforestation of degraded forest land. NAP implement implemented for afforestation of degraded forest land. Then GIM, what was the aim of implementing GIM? जी आई एम एम्स एट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फॉरेस्ट एंड एन इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर डिसाइड क्रॉस सेक्शनल क्रॉस सेक्टोरल एक्टिविटीज ऑन अ लैंडस्केप बेसिस तो देखिए जी आई एम नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया ओके या ग्रीन इंडिया मिशन करके भी आप याद रख सकते हो इसको तो इसका एम क्या था कि फॉरेस्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करना फॉरेस्ट कवर को बढ़ाना देन एफ एफ पी एम जो है इट टेक्स केयर ऑफ फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट मेजर्स तो ये जो स्लाइड है इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्लाइड ओके चलिए देखिए अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड इन दर टू थाउजेंड एम क्या था इसका इसका एम था कि फॉरेस्ट का फॉरेस्ट रिसोर्सेज की सस्टेनेबल डेवलपमेंट और मैनेजमेंट वॉज द एम ऑफ नैप नैशनल डिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव क्या थे इसके इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडिड फॉरेस्ट इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ द फॉरेस्ट फ्रिंज कम्युनिटीज जितने भी फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट कम्युनिटीज़ हैं उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव करना एंड द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव जो था नैशनल डिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम स्कीम का दैट वॉज इकोलॉजिकल रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट एंड टू डेवलप द फॉरेस्ट रिसोर्सिस विद पीपल्स पार्टिसिपेशन लोगों की पार्टिसिपेशन से फॉरेस्ट रिसोर्स का डेवलपमेंट करना वॉज द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम अब अगर हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करें तो ये थ्री टायर इंस्टीट्यूशन सेटअप के थ्रू इसकी इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया था सबसे ऊपर जो होगा दैट विल बी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट

मेंटेनेंस ऑफ प्रीवियस ईयर प्लांटेशन पिछले साल की जो प्लांटेशन हुई थी उसको लगा के भूल नहीं जाना है उसको भी मेंटेन करना है फेंसिंग करना है ओवरहेड करना है माइक्रो प्लानिंग करनी है लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करना है और एंट्री पॉइंट एक्टिविटीज़ करनी है एक्सेट्रा अब इसकी जो फंडिंग है तो नैप जो है इट इज़ अ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसको स्पॉन्सर्ड करती है विच इज़ इम्प्लीमेंटेड विद द फंड शेयरिंग पैटर्न ऑफ सिक्सटी इज टू फोर्टी परसेंट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स है ना सेंटर जो है वो सिक्सटी परसेंट देगी और स्टेट जो है वो फोर्टी परसेंट वेर इन द शेयरिंग पैटर्न ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स नॉर्थ ईस्टर्न और हिल स्टेट जो है वहाँ पर शेयरिंग परसेंट जो है वो दैट इज नाइन्टीज टू टेन तो ये आप ध्यान रखिएगा ये दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अदर स्टेट्स में रादर देन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स इट इज़ सिक्सटीज टू फोर्टी परसेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिल स्टेट्स जो है इट इज़ नाइनटीज टू टेन परसेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत ही जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम का स्टार्ट प्रोग्राम की स्टार्टिंग की गई थी तो वॉट इज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इट एम्स टू मेंटेन 33 परसेंट ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर टू प्रिवेंट सॉयल इोशन लैंड डिग्रेडेशन एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी नाइनटीन के अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल जोग्राफिकल एरिया का थर्टी जो है वो अंडर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए एंड इट शुड प्रिवेंट सॉल्यूरो लैंड लैंड डिग्रीडेशन एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस ओके अब हम बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया 2015 तो इट इज वन ऑफ द एट मिशन लॉन्च अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ओके इट इज वन ऑफ आठ मिशन जो है वो लॉन्च किए गए थे अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज तो ये उसमें से एक है इट टारगेट्स इंक्रीजिंग द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर बाई फाइव मिलियन हेक्टर एंड इंक्रीजिंग द क्वालिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन अनदर फाइव मिलियन हेक्टर ऑफ फॉरेस्ट नॉन फॉरेस्ट लैंड इन टेन ईयर्स आने वाले आने वाले इसका जो वॉट इज द टारगेट ऑफ दिस मिशन कि आने वाले सालों में वो पाँच मिलियन हैक्टर में वो क्या करें फॉरेस्ट कवर को बढ़ा दें और फिर आने वाले दस सालों में वो 5 मिलियन हेक्टर जो है जितने भी नॉन फॉरेस्ट लैंड हैं उनमें भी जो ट्री कवर हैं उनको पूरा कर दे तो दिस वाज द ऑब्जेक्टिव दिस वाज द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ जीआईएम ओके नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ग्रीन हाईवे मिशन इट वाज लॉन्च इन 2016 तो इट एम्स टू प्रोवाइड अ ग्रीन कैनोपी अलॉन्ग हंड्रेड किलोमीटर ऑफ हाईवेज ओके समझ रहे हो कि ग्रीन कैनोपी पूरा का पूरा जो जैसे सपोज ये रोड है तो यहाँ पर इस तरीके से जो पेड़ लगे होंगे है ना तो ये पूरा जो है हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर्स इनको जो है कैनोपी बिल्ट अप करनी है हंड्रेड थाउजेंड हंड्रेड थाउजेंड किलोमीटर ऑफ हाईवेज में नेक्स्ट नगर वन उद्यान योजना नगर वन उद्यान योजना 2015, इट एम्स टू क्रिएट सिटी फॉरेस्ट इन ईच सिटी विद म्यूनसिपल काउंसिल जंगल सफारी ओके तो इट एम्स टू क्रिएट सिटी फॉरेस्ट इन ईच सिटी विथ म्यूनसिपल काउंसिल नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट के बारे में तो so, जो तमिलनाडु एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट यानी कि टैप टैप तो इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग 1997-98 इट वाज लॉन्च ड्यूरिंग 1997-98 विद अ मासिव ट्री प्लांटिंग प्रोग्राम बहुत ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज प्लांट करने का प्रोग्राम था

फंड जापान के साथ मिलकर ये जो प्रोजेक्ट है टैप वो इंप्लीमेंट किया गया एंड ऑब्जेक्टिव क्या था इसका येस टू इम्प्रूव फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी राइट टू इम्प्रूव फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी बाय क्रिएटिंग हैट्रोजीनिटी ऑफ फॉरेस्ट स्पीशीज इंटेंसिव सॉयल कंजर्वेशन एंड वाटर हार्वेस्टिंग प्रिजर्व एरियाज रिच इन बायोडाइवर्सिटी ऑप्टिमाइज यूज़ ऑफ लैंड रिसोर्स ऑन साइंटिफिक बेसिस एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज एंड कंट्रोल एंड सस्टेनेबल ग्रेजिंग देखा जाए तो सारे प्रोजेक्ट सारे प्रोग्राम का एक ही ऑब्जेक्टिव होता है घूम फिर के चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अरावली ए फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट तो अरावली ए फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट इट वॉज द इट इज़ द प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाई राजस्थान गवर्नमेंट बिकॉज राजस्थान के स्टूडेंट्स बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे लेक्चर्स को फॉलो करते हैं तो इसलिए स्पेशली ये जो पार्ट है ये मैंने उनके लिए डाला हुआ है अपने लेक्चर में तो चलिए देखिए प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है टू चेक डिसर्टिफिकेशन एंड टू रेस्टोर द इकोलॉजिकल स्टेटस ऑफ द अरावलीज बाय इंटेंसिव रिफॉरेस्टेशन टू मीट द फ्यूल वुड ट्री फॉर्डर ग्रास टिम्बर फ्रूट एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स टू चेक सॉइल इोशन एंड देयर बाय बाई इम्प्रूव इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर एंड हाइड्रोलॉजिकल बैलेंस एंड सो ऑन सो ऑन आप एक बार इसको देख लीजिएगा सारे सारे प्रोग्राम्स के सारे प्रोजेक्ट्स के एक ही ऑब्जेक्टिव होता है सॉरी घुमा फिरा के आपका जो मेन काम का है वो है प्रोजेक्ट डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है तो दिस प्रोजेक्ट कवर्स टेन डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान अलवर सिकर झुंझुनू नगौर जयपुर इंक्लूडिंग दौसा पाली सिरोही उदयपुर चित्तौड़गढ़ एंड बंसवारे बंसवारे देख लेना एक बार द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज टू एटी एट पॉइंट एट सिक्स करोड़ ये कुछ काम की बात है आपकी यहाँ से आपको क्वेश्चन जो है राजस्थान एस्पायरेंट्स फॉर ए सी एफ आपको यहाँ से क्वेश्चन जो है वो डेफिनेटली आ सकते हैं चलिए आप देखते हैं कि जो जे एफ एम है जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है डेफिनेटली इट इट रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फंडामेंटल शिफ्ट इन द फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर फॉरेस्ट मैनेजमेंट में ये एक बहुत ही बड़ा काम कर रहा है तो वहां पर ये एक फंडामेंटल शिफ्ट भी कर रहा है किस तरीके से सेंट्रलाइज से मैनेजमेंट है ना यहाँ पर अगर फॉरेस्ट मैनेज फॉरेस्ट मैनेजमेंट अगर हो रहा है तो सेंट्रलाइज्ड से वो उसको डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट में वो शिफ्ट कर दे रहा है अब यहाँ पर सेंट्रल का किसी भी तरीके से कोई इन्वॉल्वमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं है कंप्लीटली विलेज फॉरेस्ट काउंसिल जो है उनका इन्वॉल्वमेंट है तो यहाँ पर देखो जो सेंट्रलाइज्ड था अब वो डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट में वो शिफ्ट हो चुका है रेवेन्यू ओरिएंटेशन से रिसोर्स ओरिएंटेशन पैसे की बजाय हम रिसोर्स पे ध्यान लगा रहे हैं रेवेन्यू से ज्यादा वो किस पे शिफ्ट हो गया रिसोर्स पे राइट यूनिलेट्रल डिसीजन मेकिंग अब कोई एक ही सर्वे सर्वर डिसीजन नहीं बना रहा है पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग लोग जो है वो अपनी राय रख रहे हैं जो गाँव वाले हैं वो भी आ, कमिटी में शामिल हो रहे हैं वो अपनी बात भी रख रहे हैं राइट तो लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट है देन कंट्रोलिंग पीपल टू फैसिलिटेटिंग पीपल है ना लोगों को कंट्रोल नहीं किया जा रहा है कंट्रोल से ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है जो रूरल पॉपुलेशन है तो कंट्रोलिंग से उनको फैसिलिटेटिंग किया फैसिलिटेशन दिया जा रहा है फैसिलिटीज़ दी जा रही है एरिया मैनेजमेंट टू साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट अब एक पूरा का पूरा एरिया ना देकर एक पर्टिकुलर साइट पे ध्यान दिया जा रहा है ठीक तो इस तरीके से आप एक बार देख लीजिएगा सारे पॉइंट्स को देन बात कर लेते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ एन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं तो उनका जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या रोल है तो बेसिकली वो क्या करते हैं दे फॉर्म अ लेयर अ बफरिंग लेयर बिटवीन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल पीपल्स है ना जैसे सपोज अब ऐसा तो है नहीं कि पूरा का पूरा कमान जो है फॉरेस्ट uh, डिपार्टमेंट जो है वो गाँव के लोगों को देते नहीं कहीं ना कहीं सुपीरियर अथॉरिटी पर वो भी बैठे होते तो वो डिरेक्टली जाके लोगों से तो बात नहीं कर सकते है ना आप सपोज ये विलेज फॉरेस्ट काउंसिल है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है तो डेफिनेटली ये हायर पोस्ट के लोग हैं और ये क्या है ये गांव के लोग हैं तो इन दोनों के बीच आपस में उतनी अच्छे से बात नहीं हो पाएगी क्योंकि दोनों का वर्ग जो है वो अलग अलग है लेवल जो है वो अलग अलग है तो एन क्या करते हैं वो एक लेयर बनाते हैं वो इनसे बात करते हैं यहाँ पर जाकर इन्हें अपना अपना, अपना कहने की कोशिश करते हैं अपना फ्रेंड बना के उनकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं देन वो यहाँ पर मैसेज देते हैं ओके तो इट लिंक्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू लोकल पॉपुलेशन प्रमोट अवेयरनेस ओके इम्प्रूव रिपोर्ट बिल्डिंग बिटवीन विलेजर्स एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एक्सपर्टाइज इन प्रिपेयरिंग विलेज लेवल डेवलपमेंटल प्लान एंड ब्रिंग इन फाइनेंस फ्रॉम नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्स सो दिस इज द रोल ऑफ एनजीओ इन जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट सो डियर व्यूवर्स आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही हमने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीटली अच्छे से कवर कर लिया है हम अपने नेक्स्ट क्लास में एम कर लेंगे जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जितने एम हैं हम उन्हें सॉल्व कर लेंगे एंड आई बेट यू कि अगर आप अभी एम बनाने बैठेंगे तो आप कहीं भी आपको किसी भी तरीके की कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आप सिंसियरली मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ ट्राइबोलॉजी ओके डियर व्यूवर्स कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग